हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। ये आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चल। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 19 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि हाई ब्लड प्रेशर दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 17 मई। प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे WHD 17 मई को दुनिया भर में बढ़ते उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेशर के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए यह सभी देशों के नागरिकों इस मुख्य हत्यारे को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार मई 2005 में आयोजित किया गया था। कब? 2005 में। और 2021 में इसकी थीम या विषय है क्या है? अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापना और इसे नियंत्रित करना, लंबे समय तक जीवित रहना। क्या है? अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापना, इसे नियंत्रित करना, लंबे समय तक जीवित रहना। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्चुअली कंट्रोल इट लाइफ लॉन्गर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रिया मेजा को 69वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया, वह किस देश से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। यही है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा जो 69वीं मिस यूनिवर्स से बनी है। 16 मई को सेमिनोल हार्ड रॉक हॉलीवुड होटल या फ्लोरिडा में गिटार होटल के नाम से मशहूर इस प्रतियोगिता में का सर्वाधिक प्रसारण किया गया और इसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। मेजा ने से पहले दक्षिण अफ्रीका की जोजो बिनी टुंजी मिस यूनिवर्स थी। इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए एंड्रिया को दुनिया भर की 73 दूसरी खूबसूरत महिलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिनमें से मिस इंडिया एडलाइन क्रिस्टलिना को भी एक मजबूत दावेदार माना जाता रहा था। क्रिस्टलिना ने मिस ब्राज़ील, मिस पेरू और मिस डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ टॉप 5 जगह बनाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट टाइम के हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यही है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जिनको यह अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मान दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम हिस्ट्री ऑफ एंट्रीग्यू एंड अलायंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रीत मोहन सिंह मालिक ने यह पुस्तक लिखी है। क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ एंट्रीग्यू एंड अलायंस सिक्किम। यही वह पुस्तक है जिसे लिखा है प्रीत मोहन सिंह मालिक ने। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ एंट्रीग्यू एंड अलायंस का विमोचन 16 मई 2021 को किया गया, जिसे सिक्किम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पूर्व राजनयिक प्रीत मोहन सिंह मलिक ने अपनी नई किताब में सिक्किम के तत्कालीन साम्राज्य के अनूठे इतिहास अंतर्दृष्टि को इस दिलचस्प कहानी के साथ जोड़ा है कि भारत का 22वां राज्य कैसे बना सिक्किम।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराते हुए यह 10वां इटालियन खिताब जीता है। यही है राफेल नडाल जिन्होंने यह खिताब जीता है। राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर वन के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर 10वां इटालवी ओपन खिताब जीता है। दूसरी वीरियता प्राप्त नडाल ने जोड़ी के बीच 57वें करियर प्रदर्शन में गत चैंपियन के खिलाफ 2:49 में 7-5, 1-6, 6-3 से जीत दर्ज की और इस जीत ने नडाल को 36वां एटीपी मास्टर 1000 का ताज भी दिलाया, जिसने 1990 की श्रृंखला की स्थापना के बाद जोकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयुष घर द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आयुष घर द्वार नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया। हिमाचल सरकार ने योग का अभ्यास करके होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम आयुष विभाग द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से शुरू किया गया है। कार्यक्रम में योग भारती के प्रशिक्षक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे और लॉन्च के दौरान राज्य भर में लगभग 80 होम आइसोलेटेड कोविड पॉजिटिव मरीज भी वर्चुअली कनेक्टेड थे इसमें, और यह जूम, व्हाट्सएप और गूगल मीट लगभग 1000 वर्चुअल ग्रुप बनाए जाएंगे जो होम आइसोलेशन के द्वारा कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों से जुड़ेंगे। और इस पहल का उद्देश्य आयुष के माध्यम से न केवल शरीर बल्कि मानसिक और सामाजिक आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है इसका उद्देश्य। हिमाचल प्रदेश की स्थापना या गठन किया गया था इसका कब? 25 जनवरी 1971 को, और यहाँ पर राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जो बीजेपी पार्टी से हैं, और विधानमंडल यानी विधानसभा यहाँ पर 68 सीटें हैं इसमें 68। हिमाचल प्रदेश की सीमा की बात करें तो लद्दाख से लगती है, कश्मीर से लगती है और पंजाब से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से और उत्तराखंड से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनबीए सामाजिक न्याय पुरस्कार बनाया जिसका नाम किसके नाम पर रखा था? यह था क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल जब्बारी। अब्दुल जब्बारी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यही बनाया गया है एनबीए सामाजिक न्याय पुरस्कार जिनका नाम अब्दुल जब्बारी जी के नाम पर रखा गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने सामाजिक न्याय की लड़ाई के आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों को सम्मान के लिए एक नया पुरस्कार करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार बनाने की घोषणा की है कि प्रत्येक एनबीए टीम विचार के लिए एक खिलाड़ी को नामांकित करेगी, वहां से 5 फाइनलिस्ट चुने जाएंगे और अंत तक एक विजेता होगा। अब बात कर लेते हैं एनबीए की। तो एनबीए की स्थापना की गई 6 जून 1946 को न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। एनबीए के आयुक्त है एडम सिल्वर, इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य के न्यूयॉर्क में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीरा टंडन। नीरा टंडन व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार बनी है जो भारतीय मूल की। यही है भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन जो व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई है, और वह प्रेजेंट या वर्तमान में एक प्रगतिशील थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष और CEO है। रिपब्लिकन सेनेटरों के कड़े विरोध के कारण उन्होंने व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के निदेशक के रूप में अपना नामांकन वापस ले लिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुकाते या ताऊते चक्रवाती तूफान आया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत में। भारत के कई राज्यों में ताऊते या तुकाते चक्रवाती तूफान आया है, और यह चक्रवाती तूफान जैसे हमारे भारत की संरचना इस तरीके से है, तो इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, तो यह अरब सागर की ओर से आया है ताऊते या तुकाते तूफान, और अधिकतम
तीव्रता प्राप्त कर ली है और अब यह एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान 118 से 166 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ी से हवा चल रही है इसमें। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताज़ा चक्रवात अलर्ट में कहा गया है कि यह तूफान गुजरात तट, महाराष्ट्र, गोवा और के करीब पहुँचेगा और तटीय कर्नाटक और केरल में भी पहुँचेगा सोमवार तक, और इससे बारिश होने की संभावना है। और इसका जो ताउते जो नाम रखा गया, यह किसने रखा है, तो यह म्यांमार ने रखा है। किसने? म्यांमार, बर्मा ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव सातव का निधन हुआ, वह कौन थे? वह एक प्रमुख राजनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव को कोरोना वायरस संक्रमण से उभरने के कुछ ही दिनों बाद निधन हो गया और वह महाराष्ट्र राज्यसभा से सदस्य और गुजरात के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मामलों के प्रभारी थे। पूर्व में वह महाराष्ट्र के हिंगोली से 16वीं लोकसभा के सांसद सदस्य रह चुके थे। यही थे राजीव सातव जी, जिनका अभी निधन हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। सॉरी बी नहीं, डी इसका राइट आंसर है, वह एक राजनेता थे। यदि आप हमारे चैनल आईटी गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।